सीट हम इस जलेबीज वाले लेसन का सेकंड पार्ट आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ए ही पॉप जलेबीज ही ईट्स एंड शेयर्स देम लिबरली विद वन एंड ऑल। और एक जलेबी का ढेर वो खाता है और क्या करता है, और बांट देता है आपस में बच्चों को भी, ठीक है। दो पेन पेनी लेस नाउ ही फील्स नो लेस इम्पोर्टेंट देन मॉब लीडर। अब क्या करता है, वो पैसे खर्च देता है, अपने आप को भीड़ का नेतृत्व करने वाला समझता है, इनकी नायक समझता है। द रियल प्रॉब्लम एट हैंड इज पेमेंट ऑफ स्कूल फीस ऑन टाइम। और अब उसके पास क्या है, वास्तविक प्रॉब्लम क्या है कि वो स्कूल की फीस समय पर कैसे दे पाएगा। जस्ट एज आई वॉज गेदरिंग अप द हीप, जैसे ही मैं जलेबियों के ढेर को इकट्ठा कर रहा था, इन द डिस्टेंस आई स्पोटेड आवर टांगा, तो मेरे को अपना टांगा आता हुआ दिखाई दिया। चाचा जान वॉज रिटर्निंग फ्रॉम कोर्ट, और उसके चाचा जान थे वो कोर्ट से लौट रहे थे वापस। आई क्लैश द जलेबीज टू माई चेस्ट, मैंने जलेबियों को अपनी छाती से चिपकाया एंड रेन इन टू ए गली, और एक गली में दौड़ गया। वैन आई रीच्ड ए सेफ कॉर्नर, जब मैं एक सुरक्षित कोने पर पहुंच गया, आई बिगिन टू डेवर द जलेबीज, तो मैंने जलेबी खाना शुरू कर दिया, ठीक है। डेवर का मतलब जल्दी जल्दी खा रहा था ना वो। आई एट सो मैनी, बहुत सी खाई मैंने, सो मैनी जलेबीज दैट इफ एनी वन प्रेस्ड माई स्टोमच ए लिटल, और इतनी ज़्यादा खाई कि कोई मेरा पेट थोड़ा सा दबा दे, जलेबीज वुड हैव पॉप्ड आउट ऑफ माई ईयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स, तो जलेबी मेरे नाकों और कानों में से निकल जाएगी, ठीक है। वेरी क्विकली वॉइस फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड असेंबल्ड इन द गली, और जल्दी ही सारे नज़दीक के बच्चे थे वो क्या हो गए, पड़ोस के सारे आ गए जलेबी खाने के लिए। बाय दैट टाइम आई वॉज सो प्लीज दैट प्लीज्ड विद माई स्टोमच फुल ऑफ जलेबीज, उस समय तक मैं इतना खुश था जलेबी से मेरा पेट भरा हुआ था, दैट आई गोट इन टू द मूड फॉर सम फन, कि मैं कुछ मजाक के मूड में आ गया। आई स्टार्टेड हैंडिंग आउट जलेबीज टू द चिल्ड्रन अराउंड, मैंने बच्चों को जलेबी देना शुरू कर दिया। डिलाइटेड दे रेन ऑफ जंपिंग एंड स्क्रीमिंग, और वो चिल्लाने लगे, खुश होने लगे। इन टू द गलीज, गली के अंदर सून ए होल लोट ऑफ अदर चिल्ड्रन अपीयर्ड, अब सिगरी बहुत से बच्चे दिखाई देने लगे, प्रोबेबली हैविंग हर्ड द न्यूज़, हर्ड द गुड न्यूज़ फ्रॉम द अदर्स, यानी कि दूसरों से अच्छा समाचार सुन करके। आई डैश टू द हलवाई, हलवाई के पास जाता हूँ मैं, एंड बोट वन मोर रुपीज वर्थ ऑफ जलेबी, अब 1 रुपए की जलेबी और ले आता हूँ। केम बैक एंड स्टूड ऑन द चबूतरा ऑफ वन ऑफ द हाउसेज, और मैं एक चबूतरा पे खड़ा हो जाता हूँ किसी घर के चबूतरे पे, लिबरली डिस्ट्रीब्यूटिंग जलेबीज टू द चिल्ड्रन, और बच्चों को जलेबी बांट रहा था मैं उधार बन के। जस्ट लाइक द गवर्नर साहेब यूज टू डिस्ट्रीब्यूट राइस टू द पुअर, ऐसे गवर्नर साहेब की तरह जैसे गरीबों को क्या बांटते हैं, चावल। एंड नीडी ऑन इंडिपेंडेंस डे, बाई नाउ देयर वॉज ए ह्यूज मॉब ऑफ चिल्ड्रन अराउंड मी, अब तक मेरे पास बच्चों की भारी भीड़ आ गई थी। द बैगर्स टू लास्ट एन असल्ट, और बच्चे थे भीड़ की तरह, जैसे कि बैगर्स होते हैं मांगने वाले, वो क्या करते हैं एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। इफ चिल्ड्रन कुड बी इलेक्टेड द असेंबली, यदि बच्चों को असेंबली में चुना जाता, माई सक्सेस वुड बी हैव बीन असर्ट दैट, तो मेरी सक्सेस होगी उस दिन जरूर पक्के निश्चित होते, बिकॉज वन लिटल सिग्नल फ्रॉम माई जलेबी बिल्डिंग हैंड, और क्योंकि मेरे एक छोटा सा जलेबी बांटने वाले हाथ का इशारा, हैंड एंड द मॉब वुड हैव बीन विलिंग टू किल, और भीड़ थी वो मारने के लिए तैयार थी। एंड गेट किल्ड फॉर मी, और मेरे लिए। आई बोट जलेबीज फॉर दम रिमेनिंग 2 रुपीज, मैंने बचे हुए 2 रुपये जलेबी खरीद लिए, एज वेल एज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड दैम, और उनको भी बांट दिया। देन आई वॉश्ड माई हैंड्स एंड माउथ एट द पब्लिक टैप, और मैंने तब अपने हाथ धोए, मुँह धोए पब्लिक वाले टैप पर, एंड रिटर्न होम, और घर लौट आया, पुटिंग ऑन सच एन इनोसेंट फेस, इतना निर्दोष चेहरा लेकर के, एज इफ आई हैडंट इवन सीन द हिंट ऑफ ए जलेबी, जैसे मैंने कभी एक जलेबी नहीं देखी हो। ऑल माई लाइफ, मैंने अपने पूरे जीवन के दौरान जलेबीज आई हैड गोबल्ड अप इजीली इनफ, जलेबियों को निगलना बहुत आसान था, बट डाइजेस्टिंग देम बिकेम अनदर मैटर, लेकिन डाइजेस्टिंग करना दूसरा मामला था। विद एवरी ब्रेथ केम ए बर्फ, और हर एक सांस के साथ एक डकार आती, एंड विद एवरी बर्फ द डेंजर ऑफ ब्रिंगिंग आउट ए जलेबी और टू
और उसके पास, उसको खतरा था कि हर डकार के साथ एक जलेबी या दो जलेबी। द फियर वॉज किलिंग मी, वापिस बाहर ना आ जाए और डर था मुझे मार रहा था। एट नाइट आई हैड टू ईट माई डिनर एज वेल, और मैंने रात को अपना डिनर भी ऐसे ही खा लिया। इफ़ आई हैडन ईटन आई फूड वुड हैव बीन आस्क टू एक्सप्लेन वाई आई डिड नॉट वॉन्ट एनी फूड, और यदि रात को मैं खाना ऐसे नहीं खाता तो मुझे एक्सप्लेन करता कि मैंने अपना भोजन क्यों नहीं खाया। एंड इफ़ आई हैड प्रिटेंडेड इलनेस, यदि मैं बीमार होने का ढोंग करता, द डॉक्टर वुड हैव बीन समन्ड, एंड इफ द डॉक्टर केम डॉक्टर आफ्टर फीलिंग माई पल्स, और यदि मैं बीमार होने का बहाना बनाता तो क्या होता, डॉक्टर आता, डॉक्टर को बुलाया जाता और फिर डॉक्टर मेरी पल्स चेक करता, नब्ज चेक करता, हैड डिक्लेयर्ड, और डिक्लेयर कर देता मुन्ना हैज द वर्ड अमाउंट ऑफ जलेबीज, कि मुन्ने ने एक मन जलेबियाँ खाई हैं। आई वुड सिंपली डाई, तो मैं वैसे ही मर जाता। द रिजल्ट वॉज दैट ऑल नाइट आई ले, रिजल्ट ये था कि मैं पूरी रात कोल्ड अप्लाई की जलेबी, एक जलेबी की तरह गोल गोल रहा। सफरिंग स्टोमच एक, और पेट दुखने से परेशान रहा। थैंक गॉड आई डिडंट हैव टू ईट ऑल 4 रुपीज़ वर्थ ऑफ जलेबी बाई माई सेल्फ, भगवान का धन्यवाद है मैंने उन 4 रुपयों की जलेबी अपने आप नहीं खाई। अदरवाइज एज दे से व्हेन चिल्ड्रन स्पीक फ्लावर्स सोअर फ्रॉम देयर माउथ्स, और कई बार यदि ये कहा जाता है कि फ्लावर्स होते हैं, बच्चे बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं। बट आई वुड बी द फर्स्ट चाइल्ड इन द वर्ल्ड विद दोज विद हुज एवरी वर्ड ए क्रिस्प फ्राइड जलेबीज वुड केम आउट, यानी मैं संसार का पहला बच्चा होता जिसकी हर एक बोलने के साथ ही, हर शब्द के साथ क्या होते हैं, एक कुरकुरी जलेबी और तली हुई जलेबी निकल कर आती बाहर। चिल्ड्रंस डोंट हैव स्टोमचिज, बच्चों के कोई पेट नहीं होते, दे हैव डाइजेशन मशीन्स, तो उनके पचाने की मशीन होती है। माई मशीन टू कैप्ट वर्किंग राइट थ्रू द नाइट, मेरी मशीन भी पूरी रात काम करती रही। इन द मॉर्निंग जस्ट लाइक एनी अदर डे, मॉर्निंग में हर दूसरे दिन की तरह, आई वॉश्ड माई फेस एंड लाइक ए वर्चुअस स्टूडेंट, मैंने अपना मुंह धोया और अपने एक गुणी बच्चे की तरह। विथ चाक एंड स्लेट इन माई हैंड, और अपने हाथ में चाक और स्लेट लिए, आई हेडेड फॉर स्कूल, स्कूल के लिए निकल गया। आई न्यू आई पेड द फीस विद दैट अमाउंट, और मैं जानता था कि मैं उस अमाउंट से पैसे फीस पे कर दूंगा। द जलेबीज वुड बी कम्प्लीटली डाइजेस्टेड, तो जलेबीज पूरी तरह हजम हो जाएंगी। बट वेन आई गो टू स्कूल, परंतु जब मैं स्कूल पहुंचा, आई फाउंड दैट आउट दैट द स्कॉलरशिप वॉज गोइंग टू बी पेड द फॉलोइंग मंथ, और स्कॉलरशिप है वो आने वाले महीने में पे की जाएगी। माई हेड स्टार्टेड टू स्पिन, मेरा सिर चकराने लगा। आई फेल्ट एज इफ आई वॉज स्टैंडिंग ऑन माई हेड, मेरे को ऐसा लगा जैसे मैं अपने सिर के बल खड़ा हूँ। एंड कुड नॉट गेट ऑन टू माई फीट अगेन, और अपने पैरों पर नहीं आ पा रहा हूँ। इवन इफ आई ट्राइड, यद्यपि मैं कोशिश कर रहा हूँ। मास्टर गुलाम मोहम्मद अनाउंस दैट द फीस वुड बी टेकन ड्यूरिंग द रिसेस, मास्टर गुलाम मोहम्मद ने यह अनाउंस कर दिया कि रिसेस के बाद, रिसेस के दौरान यानी कि जो फीस है वो इकट्ठी की जाएगी। फैन द रिसेस बेल रिंग, जब रिसेस की बेल बजी, आई टक्ड माई बैग अंडर माई आर्म, तो मैंने अपना बैग अपनी बाजू में दबाया। एंड लेफ्ट द स्कूल एंड सिंपली फॉलोड माई नोज, और मैंने क्या किया, स्कूल को छोड़ दिया, सीधा सीधा अपने नाक की तरफ चलना पड़ा। वॉकिंग ऑन एंड ऑन, चलता गया, नो माउंटेन और ओसिन ब्लॉक माई पेथ पाथ, और यहाँ तक कि कोई पर्वत या सागर भी मेरा रास्ता नहीं रोक पाए। आई वुड हैव कैप्ट गोइंग टिल द अर्थ एंडेड एंड द स्काई बिगेन, और मैं जो धरती है उसके ख़त्म होने तक चलता रहा, और जब तक आसमान शुरू हो जाता वहाँ तक। एंड वंस आई गोट देयर, जब मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, आई वुड से टू अल्लाह मियाँ जस्ट दिस वंस सेव मी, और तो मैं अल्लाह मियाँ से कहूँगा एक बार मुझे बचा लो। ऑर्डर ए फरिश्ता टू पास माई बाई एंड रोप जस्ट 4 रुपीज़ इन माई पॉकेट, एक फरिश्ता से कहो कि मेरे पास से गुजरे केवल मेरे को 4 रुपये दे दे, मेरे पॉकेट में डाल दे। आई प्रोमिस आई विल यूज़ दैम ओनली टू पे माई फीस, मैं आपसे प्रोमिस करता हूँ मैं उनको केवल अपनी फीस पे करने के लिए यूज़ करूँगा। एंड नॉट टू ईट जलेबीज, और जलेबीज नहीं खाऊँगा। आई कुडेंट रीच द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड, मैं उस जगह तक नहीं पहुंच सका जहां तक धरती का अंत होता। बट डेफिनेटली रीच द पॉइंट वेयर द कम्बलपुर रेलवे स्टेशन बिगिन, और मैं वहां तक पहुंचा जहां तक कम्बलपुर रेलवे स्टेशन शुरू होता है। द एल्डर्स हैड वॉर्न्ड मी नेवर टू क्रॉस द रेलवे ट्रैक्स, और बड़े लोगों ने मुझे चेतावनी दी थी कि कभी भी मैं रेलवे ट्रैक को क्रॉस ना करूँ।
Fine, the elders had also warned me that one must never eat sweets with one's fees money. और मेरे को बड़ों को ये भी वर्न करना चाहिए था कि किसी को अपनी फीस के पैसों से जलेबी नहीं खानी चाहिए, मिठाई नहीं खानी चाहिए. हाउ डिड दिस इंस्ट्रक्शन एस्केप माई माइंड. और ये मेरे दिमाग में यानी कि वर्न किया था मेरे को और ये दिमाग में मेरे कैसे नहीं आई दैट डे, उस दिन. आई डोंट नो, मैं नहीं जानता उस दिन.